हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, विंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हमारे गार्डन में खिले हुए हैं। जो भी मैंने प्लांट लगाए हुए थे सभी में अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से पैंजी खिली हुई है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। साथ ही यहाँ पर और भी हमारे विंटर के फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं जिनकी की बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। एक लुक मैं अपने गार्डन का थोड़ा दिखा देती हूँ और फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी फ्लावर हमारे गार्डन में खिले हुए हैं जिनकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है और फूलों से भरा हुआ है गार्डन। तो विंटर में काफ़ी फूल होते हैं जिन्हें कि अगर आप लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में इनकी फ्लावरिंग चलती है और जब फूल खिलते हैं तो गार्डन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आज की वीडियो हमारी कुछ इसी पे है और आज की वीडियो है अलाइसम पे। अगर अलाइसम आपने अपने गार्डन में लगाए हुए हैं तो थोड़ी सी उसकी केयर करें जिससे कि आपके गार्डन में अलाइसम के फूल काफ़ी दिनों तक खिलते रहें, क्योंकि अलाइसम देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और कोई विशेष केयर भी नहीं रहती है, इसलिए से उन्हें लगाया जा सकता है अपने गार्डन में और वो अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना गार्डन दिखा चुकी और अब मैं चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आप हमारी वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अलाइसम है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वाइट कलर के अलाइसम मैं लाई थी और एक बहुत ही छोटा सा प्लांट मैं लाई थी। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने पॉट को कवर कर लिया है। अच्छी मिट्टी, अच्छी धूप, अच्छे पॉट का मतलब यही होता है कि आपका प्लांट दिन ब दिन सर्वाइव करे और अच्छी ग्रोथ करे। जब उसमें फूल आए तो पूरा भर करके फ्लावरिंग हो, इस तरह से आपको प्लांट की केयर करनी चाहिए। तो मैंने तो क्या किया है, जो भी किया है वो आप लोगों से समय समय से शेयर किया हुआ है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल अभी क्या प्लांट की ग्रोथ हो रही ये भी मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए इसकी केयर पे बात करते हैं। तो अभी अगर इन दिनों आपके गार्डन में अलाइसम खिल रहे हैं और उनकी केयर करनी है, क्योंकि ये फूल हमारे अप्रैल मई तक जाते हैं, तो इसके फूल बराबर बने रहें इसके लिए किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी होता है वही हमारी इस वीडियो में है। जैसा कि मैंने इसे जब लगाया था तो उस समय अच्छी मिट्टी और अच्छे पॉट में लगाया हुआ था जिससे कि इनकी अच्छी ग्रोथ हुई है और ये हमारे टेरेस पे रखे हुए हैं जहाँ की इन्हें पूरे दिन की सनलाइट मिलती है। किसी भी प्लांट को लगाने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आप प्लांट लाइए और प्लांट को लगाइए तो प्लांट आपका दिन ब दिन ग्रोथ पे बना होता है। जब मैंने इसे लगाया था तो प्लांट बहुत ही छोटा था और इसमें फूल भी नहीं था, केवल इसमें एक छोटा सा फूल था जो देखने में लग रहा था कि ये वाइट कलर का है, बस यही देख करके मैंने लिया हुआ था। अगर आपके गार्डन में काफ़ी फ्लावर लगे हुए हैं और उसमें वाइट कलर मिक्स नहीं है तो गार्डन का वो लुक नहीं आता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुझे वाइट कलर बहुत ही पसंद लगता है। अगर कलरफुल के साथ में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स होता है तो उस कलर की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो इसलिए से मैंने इसे वाइट कलर ही लिया था। फिलहाल मुझे इसमें और भी दो चार प्लांट लेने थे लेकिन मेरे पास उतने पॉट नहीं थे और काफ़ी गार्डन बड़ा हो जाता है, इसलिए से मैंने इसका एक ही प्लांट लिया हुआ था। अभी इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और ये हमारे पूरे पॉट के बराबर यानी कवर हो गया है और बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग चल रही है। काफ़ी बड़े इसमें आई हुई हैं और बहुत ही महीन होती हैं इनकी बड़े, और मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके छोटे छोटे फूल गुच्छों में खिले हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। ये इनके बीज भी बनते हैं, अगर आप इन्हें बीज कलेक्ट करके रख लेते हैं तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में आप इनके बीज डालिए और प्लांट इनके तैयार होंगे, फिर उनसे आप अपने गार्डन में कई प्लांट लगा सकते हैं। अगर प्लांट की आपने थोड़ी सी देखभाल नहीं की तो प्लांट आपका बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो सकता है। जैसे कि ये हमारे धूप में रखे हुए हैं तो इन्हें हर दूसरे दिन पानी देना ज़रूरी होता है। इस तरह से आप देखें तो मिट्टी में नमी बनी हुई है और जब हम इन्हें पानी देते हैं तो बहुत ही साइड से किनारे से देना है। कभी भी इसे इस तरह के प्लांट जो कि विंटर के फ्लावर प्लांट होते हैं और पॉट को कवर करके फ्लावरिंग करते हैं तो उसे बीच से आप कभी भी पानी मत दीजिए, नहीं तो प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा। जब भी पानी दीजिए तो यहाँ पर पॉट के साइड में पाइप लगाइए और यहाँ से आप पानी दीजिए तो प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पे बना होता है। तो इसी तरह से मैं अपने सभी पॉट को पानी देती हूँ, सभी प्लांट को इसी तरह पानी देती हूँ और हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पर बने होते हैं। मैंने इसकी मिट्टी में अच्छी तरह से काउ डंग कंपोस्ट मिलाई हुई थी और जो भी मैं अपने गार्डन में वेस्ट मटेरियल बनाती हूँ
कंपोस्टिंग वो भी मैं इसमें मिलाती रहती हूँ मिट्टी के साथ, तो हमारे प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। समय समय से आप अपने प्लांट को पानी देते रहिए ताकि प्लांट अच्छी ग्रोथ पे बना हो। अभी तो इसमें सूखे फूल नहीं हैं, अगर फूल सूख रहे हों तो उन सूखे हुए फूलों को आप पिंच करके हटाते रहेंगे तो प्लांट आपके काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करते रहेंगे। इन्हें एक बार मिट्टी में अच्छी तरह से आप कंपोस्ट वगैरह मिला देते हैं तो बार बार किसी चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर प्लांट आपके अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं। वैसे तो इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जा सकता है, लेकिन अगर प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ पे चल रहा हो और शुरू में ही आपने उसे कंपोस्ट वगैरह दे दी है तो बार बार इसे आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र वगैरह ना दें, नहीं तो प्लांट ख़राब भी हो सकता है। अब ये फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है, मैं इसके बीजों को रख लूँगी ताकि मैं आगे नेक्स्ट ईयर के लिए इन्हें लगा सकूँ। तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है कि ये दिल खुश कर दे रहे हैं, इसलिए से मैंने आज ये वीडियो आप लोगों से शेयर की हुई है। और उम्मीद करती हूँ कि अलाइसम को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएंगे, इसके कोई भी कलर हों वो बड़े ही खूबसूरत होते हैं। फ़िलहाल आप वाइट कलर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं। जब फूल आते हैं तो पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं, मानो ये टोपी की तरह एकदम पहने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं जब भी गार्डन में आती हूँ अपने इन सभी फ्लावर प्लांट को देखती हूँ और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आप बिल्कुल भी एलाइसम को मिस ना करें और अपने गार्डन में इन्हें लगाइए, ये एक खूबसूरती बिखेरते हैं गार्डन में, और इसी तरह से केयर करिए आपके गार्डन में ये खिलते रहेंगे। तो वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।